कोलकाता में हुए लेडी डॉक्टर के साथ। दोस्तों, कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप मर्डर केस मामले में पूछताछ और जांच जारी है। सीबीआई सच पता करने में जुटी है। जांच एजेंसी ने महिला ट्रेनी डॉक्टर के रेप और फिर हत्या से पहले की रात की घटनाओं के सिलसिले को भी जोड़ा है। कोलकाता में कांड में आज जबरदस्त हलचल हुई। एक और मुख्य आरोपी संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ। सीबीआई की टीम और एक्सपर्ट ने प्रेसिडेंसी जेल में झूठ पकड़ने वाली मशीन से उसका सामना करवाया है। करीब 4 घंटे तक चले इस टेस्ट के बाद सीबीआई की टीम जेल से बाहर निकल आई। कोलकाता केस ने पकड़वाया बड़ा रैकेट। सीबीआई को जांच में जो मिला सुनकर खून खौल जाएगा। हॉस्पिटल के सीसीटीवी फुटेज से हुआ खुलासा। जरा ये फुटेज देखिए, क्या है इस केस की असली सच्चाई? क्या हार गई सीबीआई? क्या सीबीआई ने भी टेक दिए घुटने उन लोगों के सामने जो इस केस के पीछे हैं? आखिर कौन है वो पावरफुल पीपल और आखिर क्या हुआ था उस दिन? जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में। दोस्तों, कोलकाता एक शहर है जहां जिंदगी कभी थमती नहीं। वहीं एक जगह जो इलाज करने के लिए जानी जाती थी, वो बन गई एक डरावने सपने का केंद्र। एक यंग डॉक्टर जो अपने सपने को लेकर उम्मीदों से भरी थी, उसे ऐसे हालात में मारा हुआ पाया गया जो इतने क्रूर थे कि उन्होंने पूरे समाज का विश्वास मिट्टी में मिला दिया। ऑफिशियल स्टोरी जल्दी से रैप अप कर दी गई। एक संदिग्ध का नाम लिया गया, एक कन्फेशन लिया गया और केस बंद हो गया। लेकिन फिर धीरे धीरे एक काला सच उभर करने लगा। ऐसी बातें जो कुछ बहुत ही ज्यादा भयानक चीजों की ओर इशारा कर रही थी। एक मेडिकल कॉलेज जो अपनी लेगेसी के लिए जाना जाता था, वो कैसे मर्डर का स्टेज बन गया? इतने सारे डिटेल्स कैसे मिस हो गए? इतने सारे सवाल बिना जवाब के कैसे रह गए? क्या होगा अगर असली गुनहगार खुलेआम यूं ही घूमता रहे? जिनकी रक्षा कर रही हो उन तक पहुंची ताकतवर शक्तियां। ये सिर्फ और सिर्फ एक औरत के दुखद मौत की कहानी नहीं है, ये करप्शन, कवर अप्स और ऐसी साजिश की कहानी है जो इतनी गहरी है कि वो हर शख्स को निगलने की धमकी देती है। जो इसे उजागर करने की हिम्मत करता है, लेकिन कुछ राज कभी दबाए नहीं जा सकते। सच क्या है? किसने मारा डॉक्टर बेटी को और वो क्या छुपा रहे हैं? डॉक्टर बेटी जो एक डेडिकेटेड होनहार यंग डॉक्टर थी, उन्हें कॉलेज के सेमिनार हॉल में मरा हुआ पाया गया। जब उनकी बॉडी मिली तो बहुत ही भयानक हालात में मिली। उनके शरीर पर चोट के निशान, गहरे कट्स, एक हिंसक संघर्ष के लिए अन्य संकेत भी मौजूद थे। लेकिन ये सिर्फ एक दुखद मौत नहीं थी, ये उस मिस्ट्री की शुरुआत थी जिसने अस्पताल की दीवारों के अंदर छिपे हुए काले गुप्त राजों को उजागर किया। रात की शुरुआत एकदम सामान्य थी, अस्पताल में शांति थी, डॉक्टर और नर्स हमेशा की तरह अपने काम में लगे हुए थे। लेकिन रात 11 बजे सीसीटीवी कैमरा ने एक शख्स को सेमिनार हॉल की और जाते हुए कैप्चर कर लिया। वो शख्स जैसे किसी खास मकसद से वहां जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसे पूरी तरीके से पता है कि उसे क्या करना है। 30 मिनट बाद वही शख्स हॉल से बाहर जाते हुए दिखाई दिया। उन मिनटों में क्या हुआ, ये जल्द ही कॉलेज को एक खौफनाक जगह में बदलने वाला था। रात 12:30 बजे डॉक्टर बेटी और उसके 4 जूनियर साथी सेमिनार हॉल में गए। वो लंबे शिफ्ट के बाद थके हुए थे और थोड़ी देर आराम करने की प्लानिंग कर रहे थे। लेकिन जो जगह उन्हें सेफ्टी देने वाली थी, वो एक हॉरर और एक बहुत ही भयानक इंसिडेंट की जगह बन गई। रात 2:30 बजे जूनियर डॉक्टर हॉल से निकल गई और डॉक्टर बेटी को अकेला छोड़ दिया। ठीक 1.5 घंटे बाद एक और शख्स सीसीटीवी कैमरा पर सेमिनार हॉल की ओर जाते हुए दिखाई दिया। ये वो आखिरी बार था जब किसी ने डॉक्टर बेटी को जिंदा देखा था। अगली सुबह जब अस्पताल में रोज की तरह रूटीन शुरू हुआ, तो एक जूनियर डॉक्टर ने सोचा कि वो डॉक्टर बेटी को चेक कर ले। लेकिन जब उसने उन्हें देखा तो उसे लगा कि वो अभी तो सो रही है, इसीलिए वो उन्हें बिना जगाए वहां से चला गया। सुबह एक और डॉक्टर ने 9:30 बजे तक उन्हें सोता हुआ पाया और उसने उसके बाद जो देखा वो बेहद ही डरावना था।
डॉक्टर बेटी के कपड़े इधर उधर बिखरे हुए थे। उसके शरीर पर हिंसा के साफ संकेत थे। उसके चश्मे फर्श पर टूटे पड़े थे, जैसे कि वो भयानक हिंसा का मुख्य गवाह बन गए हों। जिसे उसने सहा, मर्डर की खबर तेजी से फैली, जिसने अस्पताल और शहर में खलबली मचा दी। एक ऐसी जगह जहां लोग अपने कष्टों से ठीक होने के लिए जाते हैं, वहां ऐसा गुनाह कैसे हो सकता है? कौन हो सकता है इतना बेरहम कि एक जवान डॉक्टर को नुकसान पहुंचा दे, जिसने अपनी जिंदगी दूसरों की मदद करने के लिए समर्पित की हो। पुलिस ने तुरंत इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी, लेकिन शुरुआत से ही ऐसा लग रहा था कि इसमें कुछ गड़बड़ जरूर है। क्राइम सीन को सही से सिक्योर नहीं किया गया और जरूरी एविडेंसेस को अनदेखा कर दिया गया। डॉक्टर बेटी का फोन, लैपटॉप, जिसमें सबसे ज्यादा जरूरी क्लू थे, उन्हें काफी देर के बाद कलेक्ट किया गया। ऐसा लग रहा था जैसे जो लोग इंचार्ज थे वो इस सच्चाई को छुपाने में ज्यादा इंटरेस्टेड थे, बजाय कि उसे सामने लाने के। जल्द ही पुलिस ने अनाउंस किया कि उन्होंने एक संदिग्ध को पकड़ लिया है, संजय रॉय, जो एक सिविल वॉलंटियर की पहचान उसने करप्ट प्रैक्टिस से होती थी। पुलिस के अनुसार संजय को सीसीटीवी कैमरे में सुबह 4 बजे सेमिनार हॉल में घुसते हुए देखा गया। जब वो बाहर निकला तो उसका ब्लूटूथ नेक बैंड गायब था। बाद में नेक बैंड संजय के फोन से कनेक्टेड पाया गया, जिसके आधार पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। संजय अस्पताल में जाना पहचाना चेहरा था, जो अपनी पोजीशन का फायदा उठाकर मरीजों और स्टाफ से पैसे ऐंठता था। उसने क्राइम कबूल कर लिया और पुलिस ने केस जल्दी से बंद कर दिया। लेकिन कुछ बातें मेल नहीं खा रही थी। कैसे एक नशे में धुत इंसान, जिसके पास कोई चोट के निशान नहीं थे, अकेले इतनी हिंसा कैसे कर सकता है? एविडेंस से पता चलता है कि इसमें एक से ज्यादा लोग शामिल थे। जैसे जैसे क्राइम की डिटेल सामने आई, संदेह बढ़ने लगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि डॉक्टर बेटी का यौन शोषण किया गया था। उसके शरीर पर मिले जो पुरुष के लिक्विड से ये स्पष्ट इशारा था कि इसमें कई लोग शामिल थे। उन्हें लगी चोटें इतनी भयानक थी, ये संभावना थी कि उन पर एक से अधिक लोगों ने हमला किया था। शहर भर में विरोध प्रदर्शन चल रहा था, जिसमें मेडिकल कम्युनिटी सबसे आगे रही। उन्होंने ये पूरी सही इन्वेस्टिगेशन की मांग रखी, क्योंकि वो इस बात से आश्वस्त थे कि संजय रॉय अकेला जिम्मेदार नहीं हो सकता। ऐसी अफवाह थी कि इसमें एक बड़ी साजिश शामिल है, जिसमें कुछ शक्तिशाली लोग थे, जिनके गहरे राजनीतिक कनेक्शन थे और जिन्हें किसी भी कीमत पर बचाया जा रहा था। जल्दी ध्यान अस्पताल के प्रशासन, खास करके प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष की ओर गया। शुरुआत से ही डॉक्टर घोष ने इस घटना को कमतर बताने की कोशिश करी, यहाँ तक कि उन्होंने इसे सुसाइड करार करने की कोशिश की थी। जब डॉक्टर बेटी के माता पिता को उनकी मौत की सूचना दी गई, तो उन्हें पहले बताया गया कि वो बीमार थी। बाद में उन्हें बताया गया उन्होंने आत्महत्या की है, जो कि इस भयानक हिंसा के एविडेंस के सामने कोरा झूठ साबित हुई। डॉक्टर घोष के इन एक्शंस ने गंभीर सवाल उठाए, वो अस्पताल की रेपुटेशन बचाने के लिए इतने उत्साहित क्यों थे, बजाय इसके कि वो डॉक्टर बेटी के लिए न्याय की मांग करते। जब प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया तो डॉक्टर घोष ने इस्तीफा भी दे दिया, लेकिन सच कहाँ छिपने वाला था। अगले ही दिन उन्हें एक और प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया गया, जिसने इस शक को और भी ज्यादा गहरा कर दिया कि उन्हें कुछ ताकतवर साथियों द्वारा बचाया जा रहा था। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, और भी डरावनी डिटेल सामने आई। डॉक्टर बेटी आरजीकर मेडिकल कॉलेज के अंदर काम करने वाली डार्क फोर्सेस की पहली शिकार नहीं थी। वर्षों से कई स्टूडेंट्स और स्टाफ मेंबर्स, जिन्होंने कॉलेज के अंदर हो रही करप्शन को उजागर करने की कोशिश की थी, उनकी रहस्यमय मौतें हो चुकी थी, और अन्य सालों के केस डॉक्टर बेटी के केस से काफी मिलते जुलते थे। जो भी लोग इस सच्चाई को उजागर करने की कोशिश करते थे, उन्हें चुप करा दिया जाता था। उनकी मौतों को एक दुखद हादसे के रूप में लिख दिया जाता था। सबसे चौंकाने वाले केसेस में से एक था सुमित्र विश्वास का, जो एक स्टूडेंट था, जिसमें कॉलेज के अंदर चल रहे गलत फिल्मों और गलत काम के रैकेट का पर्दाफाश किया गया था। 2001 में उसकी बॉडी उसके कमरे में पाई गई। उसकी मौत को तेजी से आत्महत्या करार कर दिया गया। सुमित्र के केस और डॉक्टर बेटी के केस में समानता इतनी ज्यादा थी कि उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था।
दोनों ने डार्क सीक्रेट का पता लगाया था और दोनों को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। विरोध प्रदर्शन बढ़ते गए, अंततः केस को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी CBI को सौंपा गया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, एविडेंसेस के साथ छेड़छाड़ कर दी गई थी, गवाहों को धमका दिया गया था, सच्चाई को धोखे के पत्तों के नीचे दबा दिया गया था। CBI को इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत से ही बाधाओं का सामना करना पड़ा क्योंकि महत्वपूर्ण एविडेंसेस अचानक गायब हो गए और पॉसिबल लीड्स ठंडी पड़ गई। सबसे खुल्लम खुल्ले कवर अप में एक था सेमिनार हॉल के आसपास के एरिया की रिनोवेशन, जहां डॉक्टर बेटी की हत्या हुई थी और रूटीन मेंटेनेंस के बहाने वो वहां काम करवाया गया ताकि बचे कुचे जो भी एविडेंसेस हो, सबूत हो, उन्हें नष्ट आराम से किया जा सके। इस बेशर्म कोशिश में क्राइम को छुपाने की धारणाओं को और भी ज्यादा मजबूत किया गया, जिसमें ये विश्वास और गहरा हो गया कि असली गुनहगारों को किसी भी कीमत पर बचाने के लिए ताकत फोर्सेस काम कर रही हैं। जैसे जैसे CBI ने केस की गहराई में खुदाई की, उन्होंने एक करप्शन का नेटवर्क पाया जो आर्चिकर मेडिकल कॉलेज की दीवारों से बहुत आगे फैला हुआ था। प्रिंसिपल डॉक्टर घोष की गहरी राजनीतिक रिलेशनशिप्स का खुलासा होता है। ये स्पष्ट हो गया कि वो अकेले नहीं काम कर रहे थे, ऐसे सुझाव मिल रहे थे जिसमें खतरनाक चीजें, पॉलिटिक्स, गलत काम, सब कुछ एक साथ नेक्सस से जुड़ा हुआ था। लेकिन लगातार बढ़ते हुए एविडेंसेस के बावजूद असली अपराधी अभी भी पकड़ से बाहर था। CBI को हर मोड़ पर रोड ब्लॉक का सामना करना पड़ रहा था। गवाहों ने अपने बयान वापस ले लिए और महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट अचानक गायब हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत इन्वेस्टिगेशन में हर्डल बनी हुई है या सुनिश्चित कर रही है कि सच्चाई कभी सामने ना सके। आखिर में सवाल वही रह जाता है, सच में डॉक्टर बेटी को किसने मारा? क्या ये सिर्फ संजय रॉय था जो नशे में धुत था और अकेले इस सारे क्रूर काम को उसने अंजाम दिया, या फिर वो सिर्फ एक मोहरा था जिसे एक बहुत बड़े खेल में बलि चढ़ाया गया ताकि उन लोगों को बचाया जा सके जिनके पास खोने के लिए बहुत कुछ था। सच्चाई ऐसा लगता है शायद कभी भी पूरी तरीके से सामने ना सके, लेकिन हाँ, CBI जांच चल रही है और सच इस बार सामने जरूर आएगा। तो दोस्तों, यदि आप भी चाहते हो कि डॉक्टर बेटी को इंसाफ मिले तो कमेंट बॉक्स में जस्टिस फॉर वेस्ट बंगाल वीमेल डॉक्टर जरूर लिखेगा। आज की वीडियो आप लाइक करें ना करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ना करें, लेकिन इस वीडियो को शेयर इतना कीजिए कि हर इंसान तक ये वीडियो पहुंच सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।